Audio Jungle. रतलाम जिले में एक व्यक्ति की करीब 6 लोगों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपाहिज हो गया। इसकी रिपोर्ट जब पुलिस में की गई तो पुलिस आरोपियों के खिलाफ FIR लिखने तक को तैयार नहीं थी। इसी के चलते व्यक्ति ने प्रधानमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल एक व्यक्ति की करीब 6 लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी और रुपए छीनने के बाद उसके पैरों पर लोहे की रॉड से मारकर मालगाड़ी के नीचे फेंक दिया था, जिससे व्यक्ति का एक पैर कट गया और दूसरा पैर बेकार हो गया, जिसके कारण वह व्यक्ति पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है। इस घटना की रिपोर्ट जब पुलिस में की गई तो पुलिस FIR लिखने को तैयार नहीं हुई। परेशान होकर व्यक्ति ने इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि जिन आरोपियों ने उस पर हमला किया था उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मारकर वहाँ पर लाइन पे धक्का दे दिया ट्रेन के सामने, तो मुझे मेरे पाँव कट गए, मुँह पे शराब डाल दी। उसके बाद मैं ट्रेक में लाइन में चला गया, ऊपर मालगाड़ी आ गई, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, और जो मेरा एक पाँव था वो पाँव हमें मिला ही नहीं अभी तक। और सिटी पुलिस में रिपोर्ट करी तो वो बोलते GRP का मामला है। GRP में रिपोर्ट करी तो अभी तक मेरी FRI दर्ज नहीं हुई। मेरे पापा बहुत भाग दौड़ से कर रहे हैं, इंदौर भी तक गए हैं, भोपाल तक गए हैं, और रतलाम में हम GRP में रिपोर्ट करते हैं तो वो कुछ पता ही नहीं है। अभी तक कुछ निराकरण ही नहीं हो रहा है मेरे साथ, ना मुझे इंसाफ मिला अभी तक। ये घटना कौन से महीने की है? ये 10/3/2019 की है। अभी तक आपकी FIR नहीं लिखी गई? FIR नहीं लिखी गई है और मुझे इंसाफ भी नहीं मिल रहा है अभी तक। और मेरे पापा बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, सिटी पुलिस में जाते हैं तो बोलते हैं GRP का मामला है, GRP में जाते हैं तो बोलते हैं FIR ही नहीं करी सर, मेरे को अभी तक इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो ये जिन्होंने आपको मारा कूटा वो इसी इलाके के लोग थे क्या? जी सर, डैड के पुल के ही हैं सर। सबको आप जानते हो? जी सर। अच्छा, तो ये आपको क्या ऊपर रेलवे ट्रैक पे ले गए थे? जी सर, फिर मैं सबको जानता था तो पहचान की वजह से मुझे ले गए थे ऊपर। फिर मेरे साथ मारा कुट्टी करी, मेरे पैसे छीने तो मैंने पैसे को बचाने की कोशिश करी, फिर उसके बाद मुझे ले गए, मेरा पाँव तोड़ दिया। और पाँव तोड़ने के बाद ना मुझे पाँव मिला, ना GRP में रिपोर्ट हुई, कुछ ही नहीं हुई। रतलाम से सुल्तान किरमानी की रिपोर्ट।